ऊपर से लगा गया। एफकैट क्या होता है? एफकैट, एनीवन, व्हाट इज एफकैट? एयरफोर्स में एंट्री करना है तो एफकैट का एग्जाम देना पड़ता है। क्या क्या एग्जाम देना पड़ता है? एयरफोर्स, समझ रहे हो? देखो ये सब उसके एज लिमिट है, ये वर्बल एबिलिटी, न्यूमेरल एबिलिटी, रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड है ना, जनरल अवेयरनेस, ये पढ़ाया जाता नहीं स्कूल में। तो क्या और एक है ना, आपके बाद तुमको डिग्री एमडी करना है तो भी गवर्नमेंट करेगी, तुमको यूरोप में जाके पढ़ना है तो भी गवर्नमेंट देगी, और तुमको पगार भी मिलेगा, 4 साल स्टाइपेंड मिलेगा, 4 साल का डॉक्टर मिलेगा, तुमको पगार भी मिलेगा और तुम्हारे आगे का पढ़ाई का खर्चा भी गवर्नमेंट उठाएगा। सीडीएस रावत का डेथ हुआ था मालूम है? अरे मालूम है कि नहीं मालूम है? वो कहा ट्रेनिंग होता है आर्मी ऑफिसर्स का, तो पढ़ाई कभी छूटती नहीं है उधर, कम ट्रेनिंग होता है और प्रमोशन के लिए वो एग्जाम क्लियर किया तो प्रमोशन होता है। ओके नाउ ये एग्जाम मैंने बता ना, सचिन तेंदुलकर का नाम सुना है सबने? सचिन तेंदुलकर ने भी ट्रेनिंग लाने की जरूरत नहीं है, लाइक मी। कौन बताएगा चार चीज क्या? ये चार चीज आए तो स्कूल जाने की जरूरत नहीं। उन्होंने बहुत सारे बच्चे एलन मस्क, कितने लोगों का नाम सुना है? एलन मस्क का नाम सुना है ना? एलन मस्क भी अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजता, उसने अपना खुद का स्कूल चालू करो, 5 बच्चों को स्कूल चलाता है, स्कूल का नाम है एड एस्ट्रा। एलन मस्क को पहचानते ना? ई स्टैंड फॉर इंग्लिश, ए स्टैंड फॉर एप्टीट्यूड, देखो एप्टीट्यूड, साइकोलॉजी, पी साइंस के सेक्टर में 12 लोग का पैनल बैठता है इंटरव्यू में, उसमें एक साइकोलॉजिस्ट बैठती है। साइकोलॉजिस्ट बैठती क्यों बोल रहा? क्योंकि उन्होंने सब लेडीज को हायर किया। नया एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उस पॉलिसी में कंपल्सरी जॉब अपॉर्चुनिटीज है। अरे करेंगे ना साइकोलॉजी, टेल मी अबाउट बिग पॉइंट्स फॉर, क्या चार चीज आना चाहिए जिससे स्कूल जाने की जरूरत नहीं है? एप्टीट्यूड। और I would like to thank Karnataka Waqf Board for organizing this excellent program for career guidance of all our youngsters who are very much meritorious. And as Anish Kutisa rightly said, that we are we are unable to give proper guidance to our students. That's the problem. And Anish Kutisa, I have been Education Commissioner of Karnataka also, and I used to tell my teachers clearly. I told them even association also. Teachers are the weakest link of education system. Our students are meritorious. They have inbuilt quality, everybody. When our people can memorize this Balki Quran Majid, then how they can fail? So it's a problem of teachers, not our students. So if you guide them properly at the right age, at younger age, as you were saying that we have to tell them 9, but I feel that we should at least 6th, 7th we start some guidance on career options available. सारी स्कीमें हैं, स्टेट गवर्नमेंट सारी स्कीमें हैं, उसका अगर हम फायदा उठा लें तो जो भी करियर के जो ख्वाब होता है औरत का, उसको पूरा करने में कोई, मुझे लगता है कोई दुश्वारी नहीं होगी। क्योंकि मैं बताता हूँ, हम लोगों ने जब थे तो इवन वी से वट एवर इंडिया में टॉप 20 हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रैंकिंग के हिसाब से, उसको हमने कहा कि हम ऐसे अपना स्कीम जारी में है कि नहीं मुझे नहीं पता हाल में, लेकिन हमने कहा कि ऐसे बच्चे अगर इंडस्ट्रीट ऑफ मैनेजमेंट जाएंगे तो हम उनको 2 लाख रुपए स्कॉलरशिप देंगे ताकि उनकी फीस हो सकती है, उनकी और उनकी जरूरतें हो सकती है, उसको वो पूरा कर सकें। तो इस तरह से बहुत सारी स्कीमें हम लोगों ने जारी की थी और अभी भी हैं, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है मैं जानता हूं, लेकिन अभी भी सारी स्कीमें हैं, उसका फायदा उठाना अब किसकी जिम्मेदारी है? पहले तो हमारे एनजीओस, टीचर्स हजरात जो हैं, जो समाज के लीडर हैं, और जैसा अनिश कुत्ते साहब ने बताया कि मस्जिदों में भी ऐलान होना चाहिए, हमने भी बहुत कोशिश की कि मस्जिदों में जुमा खुतबे के बाद इस तरह की जो माली राइट टू एजुकेशन एक्ट है या स्कॉलरशिप वगैरह स्कीम आती है उसकी अनाउंसमेंट भी की जाए, लेकिन मसला ये होता है कि हमारे मौलाना हजरात थोड़ा इसको बहुत शॉर्ट में लेते हैं। यह स्कॉलरशिप कट रही है, जाके आप वक्फ बोर्ड से कॉन्टेक्ट करें, थोड़ी सी अगर 2 मिनट आप वक्फ इस पर दे देंगे, उसकी जो मालूमात अगर आप दे दें, उसके बाद कहेंगे हम भी फलाने फलाने जगह वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं, अखबार में देख सकते हैं, तो अगर हम वो करना शुरू कर दें तो मुझे लगता है कि हमारी जो है कम्युनिटी, वो जो है जो सेंटर ऑफ, हम कहते हैं सिर्फ नमाज के लिए हम जाते हैं, और वो सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन भी हो सकता है। क्योंकि आप बाहर में कहीं भी जाइए, मस्जिदें ऐसी नहीं होती हैं सिर्फ नमाज के लिए नहीं, वहां पर कम्युनिटी का सारा काम जो है वो मस्जिदों से होता है। आप लंदन जाइए, अमेरिका जाइए, वहां मस्जिदों का काम ही होता है, वो सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन होती है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन कम्युनिटी की। आपको कोई लीगल हेल्प चाहिए आप मस्जिद जा सकते हैं, आपको कोई मेडिकल हेल्प चाहिए आप मस्जिद जा सकते हैं,
किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होती है, कम्युनिटी में कोई प्रॉब्लम होती है, आप मस्जिद जाकर उसका सोल्यूशन कर सकते हैं, वहां पर एक्सपर्ट्स रहते हैं, वो आपको गाइड करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। तो मैं ही कहना चाहूंगा कि वक्फ बोर्ड का ये जो कदम है बहुत खुशाइन कदम है, और जरूरत इस बात की है कि जो है वक्फ बोर्ड जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट में, वहां बहुत सारे वक्फ के इदारे हैं, उनके पास बहुत सारे शादी महल हैं। But what all the preparations I can do from now to become an IAS officer? See, remove the myth, it's a too tough. It's achievable. If I'm standing here, coming from maybe from Patna, 2,500 kilometers far from this place, on my merit only. If I thought कि भाई ठीक है ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए, मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरे वालिदैन कोई नहीं है, मेरे उन्होंने कुछ नहीं किया, तो मैं कैसे आऊंगा? हो सकता था पॉसिबल? जो स्ट्रिक्ट सिस्टम में ना जाना चाहते हैं वो आपको अच्छा रहेगा। 10+2 के पास साइंस पढ़ेंगे तो क्या फायदा होगा आपको? फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब चीजें मैथ वगैरह अच्छी आ जाएगा। जो बाद में जैसे अनिस्मृति साहब ने बताया कि आपको मैथमेटिकल एबिलिटी वगैरह जो आगे आगे पढ़ना होता है वो आपके लिए आसान हो जाता है। तो अगर 10+2 अगर साइंस स्ट्रीम से लेके चले आप, तो बाकी चीजें जो है किसी भी फील्ड में आईएएस भी बनना है तो भी बन सकते हैं। आप 10+2 साइंस पढ़िए, उसके बाद आपको लगता है कि आई एम गुड एट मेरी पॉलिटिकल साइंस, आई एम गुड एट हिस्ट्री, आई एम गुड एट साइकोलॉजी, आई एम गुड एट एंथ्रोपोलॉजी, यू सेलेक्ट अ सब्जेक्ट, डू द ग्रेजुएशन इन दैट सब्जेक्ट एंड देन यू कैन ऑप्ट फॉर द यूपीएससी एग्जाम। देखो एक चीज मैं कहूँ, ये कभी शर्म नहीं करना चाहिए कि सवाल पूछने में। अगर सवाल पूछ लिया तो आप एक मिनट के हो सकता है आपको लगे कि अच्छा ना लगे, लेकिन अगर आपके जहन में कंफ्यूजन रह गया तो जिंदगी भर आप कंफ्यूजन में रहेंगे। तो एक मिनट की बुरा बनना अच्छा है या जिंदगी भर के बुरा अच्छा है, आप डिसाइड कीजिए। तो उसी को इसलिए कह रहा हूँ, कहीं भी क्लास में भी मैं ये कहता हूँ बच्चों के साथ कि अगर क्लास में आपको समझ नहीं आया तो आप टीचर से पूछिए। आप जब ये आप आदत डेवलप कर लेंगे ना तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा और यू विल बी इन अ राइट डायरेक्शन। तो सवाल के लिए शर्माना नहीं चाहिए। शर्म किस बात की? मैं खुद बताता हूँ, मैं आईएएस अफसर हूँ, मेरी सर्विस ऑलमोस्ट 26 ईयर्स हो चुकी है, लेकिन मैं दुनिया में हर चीज को नहीं जानता हूँ। आई एम स्टिल अ स्टूडेंट, आई एम स्टिल लर्निंग। 3 years बैक आई हैव डन MBA, सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन लर्निंग। मैं अभी भी कहता हूँ बहुत सी चीजें आप हो सकता है आप मुझसे पूछे, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे जिस बात का पता नहीं उसको पूछने मुझे शर्म नहीं आती, मैं इतना तो जानता हूँ। It was 27. Thank you. Fine, no issue. In the first year, if you get a job, your confidence is built over. Again, I prepared the same way. Second year, I got that. CU Karnataka State Waqf Board, हमारे inspirer और motivator Mohsin Bhai, यहाँ मौजूद aspirants जो एग्जामिनेशन की तैयारी के बारे में एक गाइडेंस के लिए यहां मौजूद हुए हैं और दीगर हाजरी, मैं इनॉग्रल सेशन में भी मैं मौजूद था और सुन रहा था सारी बातें। वहां ये लगा था कि डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए क्या क्या तरीके और रास्ते हैं, और उसमें बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन हुए, और उस वक्त भी मुझे यही महसूस हो रहा था कि बिल्कुल सिर्फ फोकस करके डिफेंस फोर्सेस की तैयारी कैसे करें से बेहतर ये होगा कि जब हम तैयारी करने बैठे हैं बच्चे, तो वो सारे इम्तिहानों के बारे में उनको जानकारी मिले, जो अभी मैंने मोहसिन सर को सुना, और ये फिर अच्छा बहुत महसूस हुआ कि सारी इम्तिहानों के बारे में सर ने जिक्र किया बहुत अच्छे से। श्री मोहम्मद मोहसिन आईएएस, स्पेशल कमिश्नर एंड सेक्रेटरी रेवेन्यू डिपार्टमेंट। आई वेलकम श्री पीएम चिदंबरम, प्राइवेट सेक्रेटरी टू द मिनिस्टर मुजराय वर्क एंड हज डिपार्टमेंट, कर्नाटक स्टेट बोर्ड ऑफ वाकफ। ಮಿಲಿಟರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗಾಗ್ಲೆ ಅನೀಸ್ ಕುಟ್ಟಿ ಸರ್ ತೋರಿಸಿದ್ರು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಜನರಲ್ ಜನರಲ್ ಬಿಟ್ರೆ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್। ಸೊ ಬಿ ಎಸ್ ರಾಜು ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯವರು, ಬೇಸಿಕಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈನಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಸುಮಾರು ಜನ, ಆ ಸೈನಿಕ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳ
ನಿರಂತರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗ ಅಂತಹ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿರುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ದಿನ ಆ ಬಿ ಎಸ್ ರಾಜು ಅವರು ಯಾವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೀರಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ನಾವು ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಹುಚ್ಚನ್ನ ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಿಸ್ಕೊಂಡಂತವ್ರು. ನಾನು ಕೂಡ ಐ ಎ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ನಾನು ಕೂಡ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರೆಗೆ ಹೋದೆ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ದೆನ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಈಸ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಜನರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದಂತವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದಾಗ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಜಾತಿ ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡದೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೋತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಅವಾಗ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಲವಾರು ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕ ಎದುರು ತೊಡರುಗಳು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಅಲ್ಲೇ ಮೊಹಸಿನ್ ಸರ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯದ ಯುವಜನತೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದೆ. ಯಾರು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೀರಿ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರನೇ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನ ತಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ತಾವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಬರೀ ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಮುದಾಯದ ಯುವಜನತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಿಜಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು. ಚೇರ್ಮನ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಸಿಇಒ ಅವರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲೇನೆ, ಈ ತರ ನಾವು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೀವಿ ಅಂತ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಅಭಿನಂದನಾರ್ಹ. ಸಚಿವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಾಗ ಅವರು ಕೂಡ ಬಹಳ ಸಂತಸವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಎಫರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ, ಸಿಇಒ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಎಲ್ಲ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Can I start, please? Yes, sir. Assalamu alaikum rahmatullahi barakatuh. Wa alaikum assalam. Dice pe Tasreef Farma sare bagul ke zimmedar hazrat, aaj committee ke zimmedar hazrat Mohsin sahab, Parvez sahab, Shafi Sadi sahab aur bahut sare jo log ye coordinate kar rahe hain, organize kar rahe hain साहिबान और बहुत सारे जो लोग जो वहाँ पे इकट्ठा हुए हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशन से और स्टूडेंट्स, खुशी की बात यह है कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के तरफ से खासकर हज और वक्फ और हज डिपार्टमेंट के तरफ से आज का ये एक हिसाब से ओरिएंटेशन कोर्स जो ऑर्गेनाइज किया गया, तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ. ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಮ್ಮ ಸಿಇಒ ಸಾಹೇಬರು, ಚೇರ್ಮನ್ ಸಾಹೇಬರು, ಅದರ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದು. ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬರೀ ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಯಾರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ವಿವರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಟೈಪು ಏನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಹರೀಶ್ ಕುಟ್ಟಿ ಸರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕೂತಿದ್ದೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಅವರ ಮಾತು ಕೇಳಿ. ಹೀಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗೂಡಿಂದ ನಡೀಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗೂಡಿಲಿ ಬರೀ ವಕ್ಫ್ ಮಸೀದಿ ದರ್ಗಾ ಈದ್ಗಾ ಖಬರಿಸ್ತಾನ್ ಬರೀ ಇದೇ ಆಗತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು. ಮಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದರೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ರಹಮತುಲ್ಲಾ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆದಂಥ ಸ್ನೇಹಿತರು ಆದಂಥ ಮೊಹಸಿನ್ ಸಾಹೇಬರಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಇಒ ಸಾಹೇಬರೇ, ಅನೀಸ್ ಕುಟ್ಟಿಯವರೇ, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರು, ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕೋಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಒಕ್ಕೋಡ್ ಎಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ನೇಹದ ಸೇತುವೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂಥ ಚಿದಂಬರವರು,
ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಸಹಪಾಠಿಯು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಒಕ್ಕಮಂಡಲಿಯ ಸದಸ್ಯನಾದಂಥ ಯಾಕೋಜಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದವರು, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ ಪೂರೆ ಅಮಾರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯೇ ತೋ ಬಹುತ್ ಅಚ್ಚಾ ಏಕ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಥಾ. ಉಸ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಸಾಥ್ ಅಮಾರ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕುಟಿ ಸಾಹಬ್ ಅಭಿ ಏಕ ಯೇ ಬತಾ ರಹೇ ಥೆ, ಏಕ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಕಾ ಬಾರೇ ಮೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಮೇ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಕಾ ಬಡಾ ಮಕಾನ್ ಮೇ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕಾ ಸಂಘೆ ಬುನಿಯಾದ ಭಿ ಕರ್ ಚುಕೆ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ. जन मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाता जन गण मंगल दायक जय है भारत भाग्य विधाता, जय है जय है जय اللطيف الغبير العليم العظيم الغفور الشكور العليم الخبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكم الودود المجيد الباعث الشهيد. Yes, ready. वक्फ ने आज डिफेंस से रिलेटेड करियर गाइडेंस का ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है, जो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में इस तरह का प्रोग्राम जो है, जैसे कि अभी चेयरमैन ने बताया है कि अलग अलग ज़िला में भी ये काम किया जाएगा, तो मुझे खुशी है कि इस तरह का प्रोग्राम हो रहा है. मैं यही चाहता हूँ कि वक्फ बोर्ड और जो वक्फ के इदारे हैं, जो हर एक ज़िला में इदारे हैं, उनके स्पष्ट वसाइल भी हैं, मैं यही चाहता हूं कि लोग जो है इस तरह के हर एक ज़िला में इस तरह का प्रोग्राम हो और हमारे नौजवान हैं, हमारे बच्चे जो हैं, उनको एक करियर गाइडेंस दें और उनको मुस्तकबिल में क्या करना है, किस तरह से करना है, उसके क्या वसाइल मौजूद हैं, गवर्नमेंट की क्या स्कीम मौजूद हैं, उसको जानकर अगर आगे बढ़ें तो मुझे लगता है कि हमारे बच्चे हर फील्ड में, चाहे डिफेंस हो, आर्मी हो, IAS हो, IPS हो, उसमें कामयाब होंगे. मैं दुआगो हूँ कि इन तमाम लोग जो वक्फ बोर्ड ने इंतज़ाम किया है, इसी तरह का प्रोग्राम जो वक्फ इदारे जो है वो खुद आगे आएँ और हमारे बच्चों को अच्छे से गाइडेंस दें. और मैं मीडिया को भी कहना चाहूँगा, हमारे खासकर उर्दू मीडिया को भी कहना चाहूँगा कि अपने जो है पेपर पब्लिकेशंस में इस तरह के जो मौके मौजूद हैं उसको भी ज़ाती तौर पर और बिना किसी फ़ायदे या नफ़ा नुकसान के सोचे हुए उसको देंगे, तो मुझे लगता है कि हमारे जो नौजवान इधर उधर भटक रहे हैं और गैर चीज़ों में मशगूल हो गए हैं, वो सही रास्ते पर आएंगे और मुल्क को और कौम को एक अच्छा रास्ता दे सकते हैं. कैसे देखते हैं सर डिफेंस और नौजवानों के लिए अपॉर्चुनिटी, डिफेंस में शामिल होना कितनी रखता है? नहीं देखिए, बात इसकी है कि हमारे जो कर्नाटका में ज़्यादातर हमारे बच्चे जो है मेडिसिन और इंजीनियरिंग उसमें ही जाते हैं, डिफेंस फोर्सेस हैं या एडमिनिस्ट्रेशन है या पुलिस उसमें नहीं आते हैं. तो जरूरत इस बात की इन सब चीज़ों को वो इस फील्ड में भी हमारे बच्चे आए तो ज़्यादा अच्छा रहे. बोर्ड का काम ही था, ज़रा लेट हुआ. लगातार क्या है बोले तो बोर्ड का ये कंट्रीब्यूशन, वो ये लीज रूल्स इम्प्लीमेंटेशन बराबर से हुआ तो ऐसा प्रोग्राम करके हमें पूरा ये करा सकते. एक महीने से हमारा CEO और हमारा स्टाफ पूरे लगातार मेरा साथ गुफ्तगू करे. हमें हॉनरेबल मिनिस्टर मोहतरमा शशिकला जोले मैडम को बात करे थे, उन्होंने बहुत एंकरेज करे अदलैक नहीं स्टार्ट नहीं नर एला पूरा डिवीजन में भी एक करो और डिस्ट्रिक्ट में भी करो करके पहला उन्होंने
उनका एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिले और उन्होंने आज नहीं आ सके और उनका पीएस को भेज के एक मैसेज भी अच्छा मैसेज भी दिए जो आइंदा दिनों में आपका ये ट्रेनिंग का प्रोग्राम का ये सिम्पोजियम का प्रोग्राम के लिए जो कुछ हमारा मदद होना है पूरा गवर्नमेंट आपका साथ है करके बहुत अच्छा मैसेज भी है। इसलिए मैं शशिकला जुले मैडम और गवर्नमेंट को पहली बार मैं उनको शुक्र अदा करता हूँ। उसके साथ साथ हमारा सीईओ एंड टीम एक हफ्ता बहुत अच्छा एक ऑर्गेनाइज करे और उसका होमवर्क करके बहुत अच्छा एक प्रोग्राम एक ऑर्गेनाइज करे। हमारा आईपीएस ऑफिसर सीनियर आईपीएस ऑफिसर सलीम साहब आ गए और आईएएस ऑफिसर मोहसिन साहब आ गए, इंटरनेशनल ट्रेनर अनीस कुट्टी साहब आ गए और उसके साथ साथ चिदंबरम कई हमारा ये ऑफिसर्स सीनियर ऑफिसर्स आके हमारा स्टूडेंट्स को एक बहुत अच्छा एक ट्रेनिंग भी दिए। ये ट्रेनिंग का मकसद ये था ये डिफेंस सर्विस में हमारा लड़के लोगों को ज़्यादा ये भेजने का एक ट्रेनिंग था। बहुत अच्छा से अच्छा मेजर दिए, एक स्पेशल मेजर आए थे उन्होंने भी बहुत अच्छा से ये करे और हमारे यतीमखाना का और मदरसे निस्वान का दीगर हमारे इंस्टीट्यूशन से इदारे से हमारा लड़के और लड़कियों लोग आए थे उन्होंने भी बहुत खुशी से सुबह से शाम तक हर एक प्रोग्राम में कुछ स्टूडेंट्स को कैसा होता है ज़रा ये होता है बोर लगता है लेकिन तो अब तक हमारा स्टूडेंट्स को बहुत दिलचस्पी थे क्योंकि उन्हें सुनना करके उतना एक बेहतरीन डिफरेंट ऑफ ये टेस्ट थे उसमें मालूम उतना अच्छा था हर एक ये हमारा अनीस कुट्टी का अलग थे और वो मेजर का अलग थे सलीम साहब का पुलिस का ये डिपार्टमेंट में हमें कैसा करना वो दिए और आईएएस ऑफिसर मोहसिन साहब आईएएस का कैसा आना उसका बारे में बोले, मेजर ने आर्मी और डिफेंस का कैसा जाना वो भी बोले और हमारा पूरे दीगर मौजू पर उन्होंने ट्रेनिंग दी है इसलिए दिलचस्पी ज़्यादा आया। सर ये वक्फ बोर्ड के लिए ही या फिर और कोई और एन जी ओज इसमें शामिल है या फिर? नहीं वक्फ बोर्ड है, सिर्फ वक्फ बोर्ड है इसका। नहीं नहीं वो सिर्फ वक्फ बोर्ड है, ये तो ये प्रोग्राम कंडक्ट करें सिर्फ वक्फ बोर्ड है। अभी तो बेंगलुरु में हमें एक मिसाल का तौर पर करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट हमें डिवीज़न में एक चार डिवीज़न में भी ऐसा प्रोग्राम करें बड़े पैमान में इंशाल्लाह में वो करेंगे।